राधे राधे सभी को। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं नहा धोकर आ गई हूँ। ये वीडियो शनिवार का है तो यहाँ पर मैं नहा धो ली हूँ और अब मेरा आगे का रूटीन स्टार्ट होता है। आज ठंडा भी थोड़ा सा नॉर्मल सा है, ठीक है। मतलब एक दो दिन से धूप खिली खिली आ रही है तो ठंडा ठीक है, ज़्यादा नहीं लग रहा है और नहा धोकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मेरी बेटी ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, हाउस का प्रोजेक्ट है तो सामान बिखरा पड़ा हुआ है, तो इसी रूम पर ही ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। कटिंग वटिंग तो अभी उठाया नहीं है मैंने क्योंकि अभी इसमें काम पेंडिंग है, अभी बहुत सारा काम है तो ऐसे ही रख दिया है। और ये किचन की सफाई आज मॉर्निंग पर ही हो रही है क्योंकि कल रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो खाना बना के मैं तुरंत सो गई थी। एकदम मतलब कि एनर्जी डाउन सा फील हो रहा था, बिल्कुल भी हेडेक भी हो रहा था, मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। तो मैं सोच रही थी किचन साफ कैसे करूँ, बर्तन धोना था, खाना तो मैंने जैसे तैसे बना लिया था और जैसे ही खाना खाया तो मुझे एकदम मुझे ऐसा लग रहा था इसकी स्टेमिना बिल्कुल ही नहीं है बॉडी में, तो बहुत लो फील हो रहा था। तो मैंने सोचा सो जाती हूँ, मुझसे नहीं होगा बिल्कुल भी काम, क्योंकि जब एनर्जी होती है तो एकदम काम बहुत फास्ट स्पीड में होता है, बिल्कुल थकान नहीं लगती है और खूब काम करने का मन भी करता है। और किचन क्लीन करने का तो मन करता ही है रात में, नहीं तो बहुत गंदा बैड फील होता है ना मॉर्निंग पर उठते हैं। तो मुझे सुबह मैंने सोचा अब एनर्जी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है तो सो जाती हूँ, मैं सो गई थी। तभी आज मॉर्निंग में उठकर मैं ये सब कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने नहाया और फिर किचन में आई, मैंने सोचा अभी ताज़ा पानी आ रहा है और गीज़र में गर्म पानी भी हो रखा था, तो मैंने सोचा किचन को पहले मैं क्लीन करूँगी तब जाके सब कुछ करूँगी। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया हुआ है, नहीं तो मैं सबसे पहले पानी पीती थी। मैंने सोचा नहीं, पहले किचन में साफ़ सुथरा बनाऊँगी, जो रात का जो पेंडिंग वर्क था मेरा किचन का साफ़ सफाई का, उसको मैं पहले सबसे पहले कम्प्लीट करूँगी भले ही कितना ही टाइम लग जाए। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि हम लोग किचन का काम करते हैं, खाना वाना बनाते हैं तो हमारा डेली का रूटीन हो जाता है भाई। जब तक किचन साफ ना हो तो हमको मन ही नहीं करता कुछ भी, किचन में पीने का, खाना पानी बनाने का कुछ भी मन नहीं करता है। तो हाँ, जो जिस दिन तबीयत ख़राब हो जाती है तो मजबूरी हो जाती है भाई, अब कुछ सेहत साथ नहीं देता है तो फिर मजबूरी हो जाती है कि क्या करें। तो इसलिए मैं जो रात का जो काम बचा हुआ था अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पर गैस में मैंने गर्म पानी में विम डालकर पूरा क्लीन कर लिया है, ये देखो कितना अच्छा चमक रहा है। और जैसे ही किचन चमकने लगता है ना, मन भी खुश हो जाता है और खाना बनाने का कभी मन करता है, सब कुछ काम करने का मन अच्छा लगता है, मतलब दिन अच्छा हो जाता है, खुशनुमा दिन हो जाता है। और वही होता है, घर साफ़ सुथरा ना हो तो उसका इफ़ेक्ट मन पर पड़ता है। बोलते हैं ना, घर का साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। जितना घर साफ़ सुथरा रहेगा हमको भी अच्छा फील होगा, अच्छा फील होगा तो हमारा मन भी अपने आप स्वस्थ रहेगा, अच्छी अच्छी थॉट्स आएंगी, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहेंगे। और जहाँ जिस घर में गंदगी ज़्यादा रहती है, साफ़ सुथरा नहीं रहता है, या घर में किचन साफ़ नहीं रहता है, तो वहाँ नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और नेगेटिव चीज़ें अफेक्ट ज़्यादा करेंगी तो उससे जो नेगेटिव थॉट्स, बुरे ख्याल आते हैं मन में, या घर में कलेश झगड़ा वगैरह ज़्यादा होता है, वो होता है, नेगेटिव चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इसलिए किचन का साफ रहना, किचन या पूरे घर का साफ रहना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो जी, मेरा जो काउंटर पार्ट है उसकी सफाई हो चुकी है, पूरी क्लीन अप हो गया है। और अब नीचे फर्श की सफाई कर रही हूँ मैं, पूरा पोछा मार दूंगी। वैसे तो मॉप से करती थी, आज उससे नहीं कर रही हूँ, आज मैं हैंड से ही कर रही हूँ। कभी कभी हाथ से करने में ना अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, मॉप से उतना नहीं हो पाता है। तो कभी कभी मैं हफ्ते में एक बार हाथ से ही झाड़ू पोछा करती हूँ। और यहाँ पर अब मैं अपने लिए अब रखूँगी मैं गर्म पानी, क्योंकि किचन क्लीन हो चुका है तो अब अच्छा भी लग रहा है। अब सबसे पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी और चाय बनाऊँगी अपने लिए। और क्योंकि पानी, गर्म पानी पीते हैं तो थोड़ा पेट को रिलैक्स मिलता है ना, रात भर पेट खाली रहता है और गर्म पानी पीते हैं तो अच्छा रहता है। क्योंकि वैसे भी चाय एकदम नहीं पीना चाहिए, उससे पेट पर थोड़ा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि अब हम चाय पीने के आदी है तो चाय पीना छूट नहीं सकता है, तो इसलिए उससे पहले कुछ खा पी लेना चाहिए। अब खा तो नहीं सकते हैं क्योंकि पूजा पाठ करने से पहले नहीं खाती हूँ मैं इसलिए। और अब मैंने पानी भी पी लिया है, अब सोच रही हूँ थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लेती हूँ हल्का फुल्का। आजकल बाहर भी घूमना वूमना बहुत कम हो रहा है, वॉकिंग पर नहीं जा पा रही हूँ, तो ठंडे से ठंड ज़्यादा है और हवा लगती है ना शाम को, तो मेरा हेडेक हो जाता है, थोड़ी भी सर में हवा लगी तो हेडेक हो जाता है। इसलिए अंदर ही मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह हल्का फुल्का कर ले रही हूँ, थोड़ा सा बॉडी ठीक रहती है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, अब मैं बनाऊँगी चाय। और वैष्णवी भी उठ गई है, इसके पापा भी उठ गए हैं, वो लोग अपना काम कर रहे होंगे, तो मैं अब उनको चाय देकर आऊँगी और ख़ुद भी चाय पीऊँगी।
ये देखिए उठ गई है वैष्णवी और आते ही दूध मांगती है, तो इसके लिए मैं अब दूध भी रेडी करूँगी। मैं सोच रही थी अभी तक कुछ और कर रही होगी वो, तो सीधे किचन पर आई तो इस मॉर्निंग में दूध पीती है ये, लेकिन जिस दिन स्कूल होता है उस दिन नहीं पीती है, क्योंकि बस से जाना पड़ता है ना, तो बस में इसको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है, इसको दूध पीने से फिर ज़्यादा फील होता है, कहीं इसको डर लगता है कहीं वोमिटिंग ना आ जाए, क्योंकि इसको बस में थोड़ा सा वोमिटिंग आती है, मतलब वैसे ज़्यादा दूध दूध पीने से ज़्यादा होता है, इसलिए जिस दिन स्कूल जाती है उस दिन ये मॉर्निंग में दूध नहीं पीती है, और जिस दिन घर पर होती है उस दिन दोनों टाइम दूध पीती है, और क्योंकि ये दूध अच्छा भी है, टेस्टी है, पतंजलि का है, तो इसको काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी पैकेट के दूध ट्राई कर लिए हम, कुछ भी पसंद नहीं आया, ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इसलिए हम इसको ही ले रहे हैं। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई है और वैष्णवी भी दूध ले गई, और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए दे दिया है, मैं इसको पढ़ने के लिए दे दूँगी और तब तक मैं अपना काम जारी रखूँगी, नहीं तो फिर नहीं हो पाता है ना, क्योंकि इसका सिलेबस पूरा हो गया तो खुद ही कर लेती है, मैं इसको लर्न करने के लिए दे देती हूँ और फिर जब मुझे टाइम मिलेगा पूरा फिर मैं पूछूँगी इससे कि क्या क्या किया करके। तो ठंडी इतना ज़्यादा है ना, ये लोग सब चाय या पीकर बिस्तर पर ही बैठे हैं, और अब मेरा शुरू हो गया है साफ सफाई का रूटीन जो भी मॉर्निंग में होते हैं, और कितना ही साफ सफाई करो कूड़ा कचरा तो हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो बालकनी का डोर है ये ओपन ही रहता है, क्योंकि घर में साफ हवा का आना बहुत ज़रूरी है, अंदर की जो हवा है उसका बाहर जाना और बाहर की हवा का अंदर आना ज़रूरी होता है, हवा का आसपास होना ज़रूरी होता है ना, और जो ख़ास तौर पर मॉर्निंग पर घर के दरवाजे थोड़ी देर खुले रखने चाहिए, जिससे अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो थोड़ी सी बाहर की ओर चले जाती है, इसलिए मैं घर का डोर हमेशा मॉर्निंग पर कितना ही ठंड हो थोड़ी देर भले 5 मिनट ही सही खोल देती हूँ, और जिस दिन झाड़ू पोछा लगाना होता है, मतलब जिस दिन पोछा लगाना होता है उस दिन तो खोलना ही खोलना पड़ता है, और ये बीच बीच में एरोप्लेन की आवाज़ आ रही होगी, आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर एरोप्लेन काफ़ी ज़्यादा उड़ते हैं ना, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, अब वेट भी कितना किया जाए, चलते रहते हैं तो हमको तो आदत सी हो गई है। तो यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा सोफ़ा के ओने कोने में भी सफाई कर रही हूँ, एक दो हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ, यहाँ भी इनको खिसकाने पड़ते हैं, डेली तो नहीं हो पाता क्योंकि फिर इतना भारी ज़्यादा नहीं है, फिर भी बैक पेन हो जाता है डेली इनको खिसकाएंगे, तो हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ। और फिर दरवाजे रात भर बंद रहते हैं तो घर में थोड़ी सी स्मेल जैसी तो आ ही जाती है, इसलिए खोलना ज़रूरी होता है, थोड़ी देर ही सही खोलना ज़रूरी चाहिए। और यहाँ पर मेरा शू स्टैंड है और बाहर भी थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँगी मैं, ये बरामदा सबका ही है तो थोड़ा थोड़ा अपना सब हर कोई कर लेता है तो क्लीन हो ही जाता है, और सीढ़ी में कभी कभार कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं झाड़ू वाड़ू लगा के थोड़ी देर पर्दा लगा लूँगी यहाँ पर अब, और अब आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए, तो मैं बाहर से ही लगाती हूँ, हमारे यहाँ ऐसे ही ये बाहर से अंदर की ओर लगाते हैं, हमारे यहाँ हमारे पहाड़ों का रिवाज थोड़ा अलग है, बाहर ये नहीं है, बाहर अंदर से ले जाते हुए बाहर की ओर लगाते हैं, तो हमारा यहाँ थोड़ा अलग सा सिस्टम है तो वही फॉलो करती हूँ मैं। तो मैं पहले लिविंग रूम में झाड़ू पोछा कर लूँगी, तब जाके फिर और दूसरे रूम में करूँगी, कभी कभी किचन में भी कर लेती हूँ पहले या मंदिर के रूम में, तो लेकिन यहाँ पर करती हूँ तो लिविंग रूम में, यहाँ से ये वाला डोर है जो सीधे बाहर की ओर जाता है ना, तो यहाँ से हम अंदर की ओर लगाते हैं, बाहर की ओर नहीं लगाते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा पहाड़ों में इसको अशुभ मानते हैं ना अंदर से बाहर की ओर लगाने को, तभी मैं हम पहले से वैसे लगाते हैं तो वही फॉलो करते आ रहे हैं, बाकी तो फिर अपना अपना सिस्टम है, जो जिसको जैसा पसंद है वैसा कर सकते हैं। और ये जो थैली है इसमें पुराने कपड़े हैं मेरे भी और वैष्णवी के भी, जो इधर उधर मतलब वहाँ दे देंगे, गरीबों को दे देंगे, तो ऐसे ही रखे हुए हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है जाने का, तो मैं ये चावल के जो कट्ठे हैं इनमें ही डाल दी हूँ, तो जगह नहीं थी कहीं रखने की तो यहीं पर ही रख दी हूँ, और फिर जब आधे तो दे दिए हैं, आधे के जो वूलन क्लोथ से पुराने हो गए थे इसके छोटे थे तो वो दे दिए हैं, बाकी और बचे हुए हैं इसमें थोड़ा सा, ये समर के सीज़न के हैं तो ये अब जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन दे आएंगे। इसके फ्रॉक हैं काफ़ी महंगे फ्रॉक है बर्थडे के, तो सब छोटे हो गए हैं तो अब देकर आएंगे किसी दिन, टाइम निकालना पड़ता है वरना टाइम भी नहीं हो पाता है ना इसलिए। तो जी लिविंग रूम में झाड़ू पोछा हो गया है और यहाँ पर वैष्णवी भी अपना जो हाउस का प्रोजेक्ट है उसको देख रही है और बना भी रही है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर अब मैं ये यहाँ पर जो ये मेरा शू स्टैंड था ये फालतू बचा हुआ था ना,
तो यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रख दी हैं, क्योंकि इधर उधर रखने से फैल जाता है सामान, तो मैंने उसी में ही रख दी हैं। और इस शूज़ स्टैंड को भी हटा दूँगी। हफ्ते में एक बार पूरा सामान इधर उधर करके साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ती है, नहीं तो मकड़े के जाले भी बहुत हो जाते हैं, धूल धक्कड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और मैंने कब से हाथ से पोछा नहीं मारा, अब एक दिन हाथ से भी पोछा मारना है, आजकल मॉप से ही लगा रही हूँ मैं कब से। और अब आ जाऊंगी मैं किचन में। किचन में मैंने पालक उबालने के लिए रख दिया है। आज मैं पालक पूरी और आलू को मिक्स करके पूरियाँ बनाऊंगी, पूरी या फिर कचौड़ी बोल सकते हैं उनको, कचौड़ी टाइप बनाऊंगी। मैं काफ़ी टाइम से नहीं बनाई हूँ, ऑयली ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए कम ही बनाती हूँ। और ये यहाँ पर पता नहीं क्या दिखा रही है, इसका कुछ खाने का आइटम है मार्केट से। और यहाँ पर मेरा जो पालक है उबल चुका है, और इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी मैं, और ग्राइंड करके, ग्राइंड हो चुका है तो अब आटा लगा लूँगी। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और फटाफट फटाफट कर रही हूँ, मॉर्निंग में टाइम ऐसे ही चला जाता है। और धूप बहुत खिली खिली आ रही है, देखिए किचन में मेरी बहुत अच्छी धूप आती है। ये सबसे बड़ी बात है, खाने पर ही विटामिन डी मिल जाता है, सूर्य देव की किरणें भोजन पर पड़ जाती हैं, और ये किचन का डायरेक्शन है ना जो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर सुबह का धूप मतलब किसी टाइम का भी किचन में आना ज़रूरी होता है, इससे किचन में फंगस वगैरह की समस्या काफ़ी कम हो जाती है, और जो घर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो काफ़ी दूर हो जाती हैं। तो किचन का मुँह धूप की ओर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा, ये देखिए रोटी पर ही धूप पड़ रही है, तो किचन का डायरेक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पर। और मैंने आटे की छोटी छोटी लोई बना दी हैं और डाल दिया है इनको। मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, पहले रिफाइन ऑयल यूज़ करते थे तो वो सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मैंने अब लगभग बंद ही कर दिया है उसको, तो सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं इस टाइम पर हम। तो अब पूरियाँ उरियाँ बना लेती हूँ, पूरी कहें या कचौड़ी, कचौड़ी टाइप ही हैं। आलू को मैंने इसमें फिलअप कर दिया है, तो अब लगा दूंगी इनको खाने के लिए। और मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, ब्लैंकेट वगैरह, और जो कब नहाए धोए के कपड़े थे उनको फिर धोने के लिए मैंने भिगाने के लिए डाल दिए हैं। कुछ कपड़े मैं हाथ से ही धो रही हूँ, जो ब्लैंकेट वगैरह हैं उनको धोने के लिए डाल दिए हैं। इससे पहले वीडियो में भी दिखाया था मैंने ब्लैंकेट धोते हुए, तो इस बार भी धो रही हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ ब्लैंकेट वगैरह हफ्ते में तो धोना ही पड़ता है वैसे, मतलब जब उस टाइम पर ना, तो हम फिफ्थ या एक फोर्थ डे पर धोते हैं और फिफ्थ डे पर धोते हैं, तो कंप्लीट क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है उस टाइम पर, तो उसी में ही लगी हूँ मैं। और यहाँ पर इसको, स्कूल का बैग बहुत गंदा हो गया था, इसको धो रही हूँ। स्कूल का बैग काफ़ी टाइम से नहीं धुला था मेरा, तो ये अजीब सा ग्रीस टाइप पता नहीं क्या लगा देते हैं लोग, ब्लैक ब्लैक सा, तो उसी को ही रगड़ रही हूँ मैं। और गर्म पानी बनाया हुआ है, तो गर्म पानी से आराम से निकल जाता है। और इसका सामान पता नहीं, ये खाना वाना भी थोड़ा सा गिरा देते हैं ना ये लोग, तो चिकनाई टाइप लग जाती है बैग में, बहुत गंदा हो रहा था, तो गर्म पानी में डाल दिया है मैंने। तो स्कूल का बैग भी धुल चुका है, और मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है, और यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। बेडशीट जो मैंने यहाँ पर बिछाया हुआ था वो काफ़ी मोटा है ना, तो उसको मैं अभी नहीं धोऊंगी, उसको मैंने दूसरे दिन धोऊंगी मैं, उसको मैंने साइड कर दिया है, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत कपड़े धुल चुके हैं ना, तो फिर पानी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको वैसे ही रख दिया है, तो मैं दूसरे दिन मशीन में लगा दूंगी उसको। और यहाँ पर रूम पर आई तो यहाँ वैष्णवी ड्राइंग कर रही थी, इसको ड्राइंग का बहुत शौक है, पेंटिंग ड्राइंग का क्लास भी जाती है, तो ये उससे यही कर रही थी ये। अभी मुझे इसको पढ़ाने का टाइम नहीं था, तो ये बोली थी मैं तब तक ड्राइंग कर लेती हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, तब तक आप ड्राइंग कर लो, फिर मैं इकट्ठा होंगी पढ़ाने के लिए। और इसने बैग से सारा सामान निकाल दिया था, तो यहाँ पर पूरा भीड़ सा हो गया है। और मैंने इसका स्टडी टेबल पूरा साफ किया था, फिर इसने ऐसे ही बना दिया। यहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है, कलर वलर फैला के पूरा मैशअप कर देती है, फिर और ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे होता ही है कलर वलर करने में थोड़ा सा टेबल मैशअप हो ही जाता है। ये देखिए मेरे कपड़ों का पूरे बकेट वकेट सब रेडी हो गए हैं, एक और है, तो आज बहुत कपड़े हो गए थे, इनके भी थे, वैष्णवी भी थे, मेरे भी थे, और बेडशीट वगैरह ब्लैंकेट, तो आज भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि आजकल खिली खिली धूप आ रही ना, हम सोच रहे हैं कि जितने कपड़े हैं सब धो देते हैं, फिर इसके बाद बारिश का मौसम हो सकता है, तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए सारे कपड़े धो रही हूँ मैं। फिर वीकेंड भी चल रहा है, तो वीकेंड में कपड़े हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए धूप कितनी अच्छी आ रही है, और जो मॉर्निंग पर कपड़े डाले थे मैंने, कपड़े नहीं टॉवल वगैरह डाले थे नहाए धोए के, उनको उठा दिया है मैंने, तो यहाँ पर अब ब्लैंकेट वगैरह सब डाल दूँगी मैं। बालकनी पूरा कपड़ों से भर गया है,
और आज मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो हवा चल रही है, लेकिन ये हवा ऐसे है कि बिल्कुल ठंडी नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है हवा एकदम, जैसे फरवरी में चलती है ना हल्की हल्की सी हवा, उसमें ठंडक नहीं होती लेकिन अच्छी लगती है, वैसी हवा चल रही है। देखो कपड़े कितने सारे उड़ रहे हैं, तो क्लिप लगा दिए मैंने क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, और जो स्लीपर वगैरह हैं, मैट वगैरह सब, मतलब 2 दिन से मैं कपड़े धोने में ही हूँ। ये देखिए आज भी पूरा बालकनी भर चुका है मेरा कपड़ों से, और सबसे अच्छी बात है कि धूप बहुत अच्छी आ रही तो सब सूख जाएंगे। तो मेरा अब यहाँ पर वैष्णवी बैठी हुई है, इसको मुझे पढ़ाना है, तो मैं सोच रही थी पहले इसके सर पर ऑयलिंग कर देती हूँ, इसको भी नहलाया हुआ था मैंने कल, तो ऑयलिंग नहीं की थी, तो आज ऑयलिंग कर दूँगी, फिर इसके बाल हैं कि ख़राब हो जाते हैं नहीं तो जल्दी, ऑयलिंग करने से थोड़ा सा अच्छे रहते हैं, और बच्चों के सर में तो थोड़ा फिर ऑयल डालना ही चाहिए, नहीं तो बहुत ड्राई हो जाता है, हेडेक का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इस पर ही लगे हुए हैं अभी हम। बाल बनाने में इसको बड़ी दिक्कत होती है, उलझ जाते हैं ना जो ब्लैंकेट के छोटे छोटे वो बाल हेयर्स होते हैं, तो उससे इसके हेयर बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो थोड़ी परेशानी होती है इसको बाल बनाने में, तो बोलती है नहीं बनाना है, तो फिर बनाने ही पड़ते हैं। तो आज 2 चुटियाँ बनाऊँगी मैं इसकी, और ऑयलिंग करके थोड़ा सा स्मूथ से हेयर हो जाते हैं, नहीं तो अजीब से कर्ली टाइप हेयर हैं इसके, तो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जी सारा काम हो गया है, और अब मैं वैष्णवी को स्टडी करा रही हूँ, क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले हैं, तो उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अब चलती हूँ बाहर, अपनी चाय भी बना लेती हूँ, और चाय बना के मैं चलती हूँ उसको स्टडी कराने के लिए। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, बाय बाय, राधे राधे।